हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं पुजारी टोला डैम। पिछली वीडियो में आपने देखा जिसमें हम इटियाडोर डैम गए थे। इटियाडोर डैम के बाद नवेगांव डैम गए और उसी दिन यहाँ पुजारी टोला डैम, जिसे कोटरा डैम भी कहते हैं, वहाँ आए हैं। अभी शाम के लगभग 4:30 बज गए हैं और यहाँ पहुँचे हैं। अभी एक दिन में ही तीनों जगह कवर करने में समय लग गया। देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसे है, कोटरा डैम कैसा है यहाँ, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बने हैं, ये सभी चीज़ें देखेंगे और डैम का सुंदर नज़ारा। बहुत ही बड़ा डैम है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और भी दूरी में रास्ते दिखाई दे रहे हैं, किंतु उतने दूर जाने का समय हमारे पास नहीं है, इसलिए उधर नहीं जा रहे हैं। अभी ये सुंदर नज़ारा है। ये गाड़ी पार करने के बाद हम ये नीचे जो दिख रहा है उस रास्ते से ऊपर चढ़े हैं और आगे जहाँ बांध जो है बंधा हुआ है उधर आगे बढ़ रहे हैं। जो गेट है उधर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं वहाँ और क्या क्या बना है, कैसे बना है। डैम जो है काफ़ी उम्मीद से बहुत काफ़ी बड़ा है। आइए देखते हैं। ये गेट है, बांध का मुख्य गेट है शायद। पानी यहाँ से पानी बाहर निकलता है और पानी बहुत गहरा है। गहराई पानी क्यों, पानी देखने से ही समझ आ रहा है कि बहुत गहरा है। ये गेट बने हुए हैं, यहाँ कुल 13 गेट हैं। हम नीचे से भी देखेंगे, नीचे उतर कर गेट कैसा बना है उसे। एकदम खुला है, बहुत सुंदर ही बना है, पेंट किया हुआ है बकायदा, सुंदर दिख रहा है। और उधर बहुत खाई है, खाई यानी जिधर पानी नीचे गिरता है उधर है, लेकिन खुला हुआ है, सेफ नहीं है उधर। हाँ चलो ना उधर। अच्छा है, एक दिन की पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। यहाँ आके खाना वगैरह लेके आके यहाँ सुबह से शाम तक समय बिताया जा सकता है। यहाँ आके खाना भी बना सकते हैं, पर्याप्त खुली जगह है। ये नीचे का नज़ारा है, जिधर गेट खुलने पे पानी नीचे गिरता है और गिरते हुए आगे बढ़ता है। चलिए नीचे उतर कर नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। इधर से ही हम आए थे और गाड़ी पीछे पार्क किए हैं। यहाँ कुल 13 गेट हैं, जो बहुत ही सुंदर है। ये दूर में गाड़ी दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से होकर गए हैं वहाँ पे।
चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बनाया गया है, सिस्टमेटिक है, और इस प्रकार से बांध जहाँ से गेट खुलता है वहाँ पे रास्ता बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा बांध मैंने नहीं देखा था जहाँ से रास्ते खुले हों। बांध तो देखा है लेकिन वहाँ रास्ते बंद रहते हैं, यहाँ जो है रास्ता खुला हुआ है, यहाँ से गाड़ी का आना जाना होता है। खूब गहरा है, ये फर्स्ट नंबर का गेट है, और इस प्रकार कुल 13 गेट आगे तक है। इधर जो है पानी, गेट खुलने पे पानी इधर आगे आता है, आगे होते हुए जब खुलता है तो आगे बढ़ता है। खाई है, बहुत गहराई पे है। चलिए और नीचे उतरते हैं। उतरकर जहाँ से पानी पार होता है वहाँ उतरकर देखेंगे कैसा दिखता है वहाँ से डैम का गेट। यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मज़ा आ गया यहाँ आकर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, संभल कर चलना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में यहाँ का नज़ारा और भी बहुत अच्छा रहता होगा, जब गेट खुलता होगा और पानी पार होता होगा तब। ये पूरे 13 गेट के नज़ारे हैं, यहाँ से पानी गिरकर जब गेट खुलता है तो आगे आता है पानी। और ये एक रास्ता गया हुआ है, वहाँ से आना जाना होता है कि किसी दूसरे गांव जाते हैं, मालूम नहीं कहाँ जाते हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ आकर। बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है, और करीब जा रहे हैं गेट के, जहाँ से देखेंगे कि कैसा दिखता है आगे। अरे बाप रे, बहुत नीचे है, गहरा है। नीचे यदि गिरे तो फिर तो बहुत ज़्यादा चोट लग सकता है। अच्छा बनाया गया है डैम को, डैम का जो गेट है उसके नीचे का भाग, सिस्टमेटिक नए नए ढांचे बनाए गए हैं, पिल्लर बनाए गए हैं, अब पता नहीं किस लिए बनाए हैं उसे। ये सुंदर दृश्य है, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप भी आ सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।